और दोस्तों क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग खेलने वाले हैं डेड बाय डे लाइट मोबाइल। अब यार ये गेम प्ले पूरा देखना, क्योंकि ये गेम ऐसा है ना कि इसको खेलने से ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। अब यहाँ पर यार देखना, जैसे ही अपनी मैच शुरू होती है ना भाई, मैं तुरंत जनरेटर रिपेयर करने में लग जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जब तक अपन लोग 5 जनरेटर्स होते हैं उनको रिपेयर नहीं करेंगे ना, तब तक अपने को भागने का मौका नहीं मिलता है। तो शुरुआत में देखो यार, मैं तुरंत निकल लेता हूँ। अब यार यहाँ पर भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, एक तरह से फट रही थी, क्योंकि ये जहाँ पर जनरेटर रखा हुआ है भाई, ये बिल्कुल बीच में है, और बहुत डर लग रहा था यार कि किलर कहीं से भी आ सकता है। अब आप लोग शायद इस गेम के बारे में नहीं जानते होंगे, तो सोच रहे होंगे कि यार किलर क्या है, तो जल्दी आपको पता चलेगा भाई। जब भी किलर पीछे लगता है ना, बहुत फटती है। ओ भाई, अब तो भागना पड़ेगा, क्योंकि देखो हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, और इसका मतलब होता है कि किलर कहीं आस पास ही है। तो यार जल्दी से निकलते हैं और यहीं कहीं छुप जाते हैं। भाई यार सही बता रहा हूँ, यहाँ पर जिसके हाथ में ये गेम का कंट्रोल होता है ना, उसकी तो हालत ख़राब हो गई होती है, क्योंकि अभी देखना आगे क्या होने वाला है। अभी भाई जो आपने थोड़ा सा सीन देखा ना, वो किलर ही था जो सामने से जा रहा था। अब यहाँ पर यार ऐसी की तैसी हो रखी है, क्योंकि 5 में से एक भी जनरेटर्स रिपेयर अब तक नहीं हुए हैं। फिलहाल तो मैं एक कर रहा था, लेकिन यार उसको थोड़ा सा ही रिपेयर किया था और वहाँ से अपने को भागना पड़ा, क्योंकि किलर आसपास ही था। फिर से चलते हैं और जनरेटर को यार इस बार तो पूरा ही रिपेयर करके यहाँ से जाएंगे। की माँ का भी ये म्यूज़िक क्या था भाई, ये तो एकदम से ही डरा दिया मेरे को। वहाँ से फिलहाल तो भाग लेते हैं, जो भी हो भाई खतरनाक ही था। फिलहाल तो इस तरफ आके रुक जाते हैं। भाई साहब किसी को तो किलर ने दिया है फटके, मतलब किसी को लगता पकड़ लिया है। फिलहाल तो अपन जनरेटर ही रिपेयर करते हैं, बाद में देखते हैं उसका क्या करना है। ओ भाई लटका दिया, लड़की को लटका दिया जिसको अभी किलर ने पकड़ा था। अब यार यहाँ पर मिसटैप की वजह से जनरेटर से आवाज़ आई, और इसकी वजह से किलर को पता चल गया कि शायद यहाँ पर मैं जनरेटर रिपेयर कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ से भाग लेता हूँ, नहीं ये भूतनी का अगर पास आ गया ना, तो भाई ये अपने को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर किसी तो अपने टीममेट ने यार एक जनरेटर को रिपेयर कर लिया है, एक जनरेटर को, अभी 4 बचे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। एक और हो चुका है रिपेयर, और साला किलर मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है यार। इस लड़की को फिलहाल यार बचा लेते हैं, काफ़ी मतलब इसकी हेल्थ डाउन हो गई थी, मरने ही वाली थी। अब यार किलर साला जरूर इस तरफ आएगा देखने के लिए कि किसने इसको बचाया, और आ भी गया साला ये। भाई साहब उसके मुंह के सामने से भाग के आए। फिलहाल तो यार देखो ये साला अपने पीछे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भूतनी का ना उस लड़की को फिर से पकड़ेगा, क्योंकि वो वहीं पर छुपी हुई थी। अब यहाँ पर यार उस लड़की को तो बचा के भी नहीं बचा पाए, उसका काम हो गया समझो, अभी उसको लटकाएगा तो शायद फिनिश हो जाएगी। फिलहाल तो इस जनरेटर को अपन लोग रिपेयर कर लेते हैं, और इसके बाद 2 ही बचेंगे, और यार कोशिश करेंगे उनको भी जल्दी रिपेयर करने की, और यहाँ से ज़िंदा निकलने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं क्या होता है अभी। पर यार शुरू से इस जनरेटर के पीछे लगा हुआ हूँ, और भाई ये अब रिपेयर हो रहा है, चलो मज़ा आ गया फिलहाल तो रिपेयर करके उसको। अब यहाँ पर 2 ही बचे हुए हैं, और एक तो यहाँ पर अपने को मिल जाता है, और इसको चलते हैं रिपेयर करते हैं। और ध्यान रखना पड़ेगा यार, क्योंकि किलर ना अब इन जनरेटर्स के आसपास ही घूमेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि आ गया भाई, देख लो आ गया साला। यार ये भूतनी का पीछा नहीं छोड़ रहा है, मतलब छोड़ देगा तो क्या जाएगा इसका।
फिलहाल तो जल्दी से भागते हैं, इसको गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं, बच गए तो अच्छा ही होगा। एक और जनरेटर रिपेयर हो चुका है, अब बचा है सिर्फ और सिर्फ एक। तो यार कोशिश करते हैं सेफ रहने की, क्योंकि यहाँ से जिंदा अपने को भागना है। आगे यार इस तरफ मैंने एक जनरेटर देखा हुआ था और चल के इसको रिपेयर करते हैं, यही एक बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर खतरा भी बढ़ चुका है, क्योंकि ये साला जो किलर है ना, ये भी इसके आसपास ही अब आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यही एक बचा हुआ है। आ गया फिर से साला, फिर से आ गया। निकलो यहाँ से, निकलो बच्चे लोग, जल्दी भागो। ये मेरे टीममेट्स हैं भाई, जो कि दो ही बचे हुए हैं, एक को तो ख़त्म कर दिया इसने। यहीं पर छुप जाता हूँ साला, क्या घंटा पकड़ पाएगा अपने को, छुपे रहते हैं यहीं पर। अबे ये तो यहीं पे आ गया, भागो यहाँ से। फिलहाल से यार यहाँ पर बहुत लैग हो रहा था और मैं आगे की तरफ भाग रहा होता हूँ, और यहाँ पर भाई अपने साथ जो सीन होता है ना, उसकी वजह से अपनी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। देखो अभी यहाँ पर भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को घंटा भी नहीं पता था कि ये साला किलर सामने से आ रहा है, और मैं बचने के लिए उस तरफ से भाग रहा था और ये भूतनी का यार सामने ही मिल गया। मेरी किस्मत ख़राब थी भाई, नहीं ये भूतनी का पकड़ नहीं पाता साला, क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो यार ये चल के अभी अपने को लटका देगा, और भाई अगर कोई अपना बंदा अपने को बचाने नहीं आएगा तो ख़त्म हो जाएंगे समझो। भाई यार सच में उम्मीद कर रहा हूँ कि अपना कोई बंदा तो यार बचाने आ जाए, क्योंकि अगर कोई बचाने नहीं आए तो भाग जाएंगे और मैं यहाँ लटक जाऊँगा। लेकिन चलो ठीक है यार, अगर मैं मर जाता हूँ दो बंदे अपने बच जाते हैं तो भी ठीक ही है। फिलहाल तो बंदों ने यार सारे के सारे जनरेटर रिपेयर कर लिए हैं, और अभी गेट भी मतलब ओपन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैं यहाँ लटका हूँ। एक बंदा आ रहा है शायद अपना, आ तो रहा है यार, आ तो रहा है। ओ भाई आ गया, मतलब फरिश्ता बन के आ गया, ये बचा लिया अपने को। फिलहाल अब यहाँ से भागते हैं भाई 90 की स्पीड में, रुकेंगे नहीं, सीधा गेट की तरफ चलते हैं। आगे यार चल के अपने को गेट भी खोलना पड़ेगा भाई, उसमें भी समय लगेगा। नहीं भाई यहाँ पे तो अपना एक बंदा पहले से ही लगा हुआ है और इसने गेट ओपन कर ही लिया है। अब यहाँ से यार किलर क्या, ये किलर का बाप भी अपने को नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि भाई अब तो भाग जाएंगे, अब इसका बाप भी अपने को रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मज़े लेने के लिए रुकता हूँ, लेकिन अपने बंदे निकल जाते हैं तो मैं भी निकल जाता हूँ। तो यार यही था आज का गेम प्ले। अब यार ये गेम प्ले अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि गेम है ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो इस गेम की भी अपन गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। मुझे कमेंट में बताना यार कि गेम प्ले आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर करो इस वीडियो को। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।